I get a bag, no chips. No chips. I get these chips, no dip. No dip. Like we playing poker, she wearing a choker, but she do not give me no love. No love. Shawty a bad little bitch. ये वो बॉन्ड का है जब टीम इलीट और फोर अननोन के बीच लड़ाई हुई थी, बहुत बढ़िया लड़ाई हुई थी, देखने में मज़ा आया था। टीम इलीट के तीन बंदे थे, उन्होंने फोर अननोन भीम को ले लिया था और उसके बाद स्वास्तिक ने 1v2 बहुत ही ऑसम सा क्लच निकाला था टावर के ऊपर टीम इलीट के किलर और RDP के ऊपर। उसके बाद ये पोजिशन ले रहे थे कि उतने देर में टाइटेनियम की पूरी स्क्वाड थर्ड पार्टी करने के लिए आ जाती है। तो आपको मैं दिखाऊँगा कि कैसे फोर अननोन के स्वास्तिक ने एक इम्पॉसिबल से क्लच को पॉसिबल बनाया था। तो फिर ये वो पॉइंट का है जब फोर अननोन के कुनाल जूनियर और विजार्डो ख़त्म हो चुके थे मैन एडवांटेज के कारण, टाइटेनियम ने उन्हें ले लिया था और यहाँ पर फोर अननोन के स्वास्तिक बैकअप ले रहे थे। देखो आपको दो चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है, हमेशा अपना रस गेम प्ले पे नहीं, आपको अपने बैकअप प्लान पे ध्यान रखना है। जो यहाँ पर फोर अननोन ने रखा था पर जो गलती हो गई थी वो इनके गाड़ी के पोजीशन की। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे इनकी गाड़ी की पोजीशन कितनी गंदी थी, जिसके कारण जब तक ये गाड़ी निकाले उतनी देर में टाइटेनियम की स्क्वाड इनकी गाड़ी को फोड़ चुकी थी। इसके बाद इन्होंने इनके पास कोई और ऑप्शन नहीं था वहाँ से इनसे फाइट लेने के लिए, पर बहुत सारे बंदे गलती ये करते हैं कि उसके बाद भी भागने की कोशिश करते हैं, जो कि पूरी स्क्वाड दौड़ा के मारती है, जो कि लगभग नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। वो भी यहाँ पर आप देख पाएंगे कि फोर अननोन के स्वास्तिक ने पोजीशन लेने की तैयारी कर ली थी। उन्हें पता था यहाँ पर डू और डाई सिचुएशन है कि एक दो किल निकाल के थोड़े पॉइंट्स बढ़ा लेते हैं, पर उन्होंने पूरी स्क्वाड को क्लच कर दिया। बहुत ही मज़ेदार था, बहुत ही ऑसम मोमेंट था देखने के लिए ई स्पोर्ट्स फैन की तरफ से, क्योंकि पर्सनली मैं भी फोर अननोन का बहुत बड़ा फैन हूँ। तो यहाँ से आप देख पा रहे हो कि टीम कि टाइटेनियम की तरफ से एक बहुत बड़ी गलती हुई थी, वो एक एक करके रस मार रहे थे। आप देखो यहाँ पर बंदे पहले एक एक करके आए, फोर अननोन ने यहाँ पर पुनीत को डैमेज दे के डाउन कर दिया था, दो शॉट्स पहले लगाए थे फिर कनेक्ट किया, फिर क्रोनो सील का बहुत ही परफेक्टली यूज़ किया। उतने देर में टाइटेनियम के दूसरे बंदे उन पर चढ़ के उन्हें बहुत ज़्यादा डैमेज दे दिए थे। फिर उसके बाद आप देखोगे कि यहाँ पर इसके बाद विजार्डो ने बहुत ही ऑसम सा हेडशॉट लगा के अपने टाइटेनियम के दूसरे बंदे को नॉक निकाला था और कवर लेके तुरंत थर्ड बंदे के लिए रेडी हो रहे थे। उन्हें पता था कि यहाँ पर डू और डाई सिचुएशन है, उन्हें कैसे भी इन्हें मारनी है। आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि उन्होंने दो बंदों को ऑसम नॉक निकाला और तुरंत यहाँ पर वॉल डाली और थोड़ा सा अपना एक कवर बनाया, जिससे टाइटेनियम के बंदे कन्फ्यूज हो जाए कि मारे कैसे और कहाँ पर है उनका लोकेशन ट्रैक करने में। यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि इन्होंने कितनी बड़ी गलती की थी, कैसे एक एक करके बंदे आ रहे थे और स्वास्तिक उन्हें लेते जा रहे थे। यहाँ पर उन्होंने तीन बंदे नॉक निकाल लिए थे, एक का किल भी उठा लिया था, एक नहीं दो बंदों का सॉरी किल उठा लिया था और अकेले 10 CM बचे थे। तो यहाँ पर आपने देखना वो कैसे आखिरी बंदे के लिए बहुत ही परफेक्टली पोजीशन लेके बैठे रहते हैं टाइटेनियम के 10 CM पर, और यहाँ पर बहुत ही ऑसम सा हेडशॉट मार के इसको एकदम स्वैग से इस 1v4 क्लच को अंजाम देते हैं। तो इसीलिए फास्ट फोर अननोन के स्वास्तिक बहुत ही अंडररेटेड प्लेयर है, आपको इन्हें भी सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि ऐसे ही प्लेयर्स हैं जो आगे चल के हमारे कंट्री को प्राउड करने वाले हैं। और अगर आपको ये गाइस इस वीडियो से अगर कुछ भी सीखने को मिला तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे एक और न्यू और ऑसम एनालिटिक वीडियो में ई स्पोर्ट्स के, तब के लिए बाय बाय गाइस।